दूसरे राज्यों में होने वाले चुनावों का असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर नजर आ रहा है। आज सुपर संडे है। सुपर इसलिए क्योंकि आज अलग अलग राज्यों के चुनावी नतीजे आने वाले हैं। इसका असर सीधे तौर पर यूपी की सियासत पर दिख रहा है। आज यानी रविवार को मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में वोटों की गिनती लगातार जारी है। ताजा आंकड़ों की बात की जाए तो तीनों ही राज्यों में बीजेपी बाजी मारती नजर आ रही है। तीनों राज्यों के सामने आ रहे चुनावी रुझानों को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बड़ी बातें कह दी। केशव प्रसाद मौर्य ने सबसे पहले लिखा, भारत के मन में मोदी है और मोदी के मन में भारत है। वही दूसरा पोस्ट किया गया, चुनावी राम भक्तों को जनता ने सबक सिखाया। केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा, देश की जनता कांग्रेस से मुक्ति चाहती है। वही इससे पहले एक और पोस्ट किया, जनता ने दिया अपना आशीर्वाद, फिर से खिल उठा कमल। तो केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष को चुनावी राम भक्त कहते हुए निशाना साधा और साफ कह दिया कि भारत के मन में मोदी है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद ने भी अपनी ही पार्टी यानी कांग्रेस के लिए एक ऐसा पोस्ट किया कि सोशल मीडिया पर मानो बवाल मच गया। उन्होंने पोस्ट कर लिखा, सनातन का श्राप ले डूबा। तो एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य चुनावी राम भक्त बताते हुए हमलावर है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता इसे सनातन का श्राप बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। यही कारण है कि इस देश के किसी भी कोने में कोई भी राजनीतिक हलचल होती है तो उसका सीधा असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर नजर आता है। अब इन तीनों राज्यों के नतीजों को लेकर और केशव प्रसाद मौर्य और आचार्य प्रमोद कृष्णम के इन पोस्ट पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।